ताकि मैच ना हो जाए। और ये हुआ मैच। तो हे गाइस, इस सीरीज में मैंने ये पजल सॉल्व कर लिया है, अब बारी है इस पजल की। तो ये पजल को करते हैं साइड। तो ये पजल जैसा कि आप देख सकते हो एप्पल जैसा है और ये क्यूब है, और मैंने कभी सॉल्व नहीं किया है ऐसे टाइप का क्यूब। और करेंगे एक्सप्लोर कैसा है क्या नहीं। और पिछला जो पजल था वो हम कर रहे हैं गिव अवे 20 के सब्सक्राइबर पे, तो जाके उस पर पार्टिसिपेट जरूर कर लेना। जो इसके बाद वाला पजल आने वाला है, जो कि तीसरा पजल, वो मेरा वन ऑफ माई फेवरेट है, तो उसे जरूर चेक करना, आपको पता चलेगा कि क्या है। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और मैं अभी नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा ज़रूर कि कौन सा पजल है। बट आज करेंगे ये वाला पजल सॉल्व। तो चलते हैं हमारे ओवरहेड व्यू पे और एक्सप्लोर करते हैं इस पजल को, और सॉल्व भी करेंगे, देखेंगे कितना टाइम लगता है हमें इसे सॉल्व करने के लिए। तो आ चुके हैं गाइस हमारे ओवरहेड व्यू पे, और ये पजल हमारे सीरीज का सेकंड पजल है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में लिंक है, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद भी एक नया पजल आने वाला है, उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि वो भी होने वाला है गिव अवे। और फटाफट बिना किसी देरी के करते हैं हम इसे अनबॉक्सिंग। तो ये कुछ इस तरीके से आया था पार्सल, जैसे कि आप देख सकते हो पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है। और सीरीज क्यूब है, एप्पल क्यूब है, ठीक है। ये रहा इसका पैकेजिंग कुछ इस तरीके से, और ये रहा हमारा पजल। और इसमें इंस्ट्रक्शन शीट भी दिया है, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सॉल्व करने आता है 3x3 पजल, जो कि आपको भी पता होगा 3x3 पजल कैसे सॉल्व करते हैं। और उसमें हम कलर के हिसाब से सॉल्व करते थे, इसमें हम शेप के हिसाब से सॉल्व करेंगे, जिसका हर किसी का शेप अलग है, ठीक है, हर पीस का शेप अलग है, ठीक है। तो शेप के हिसाब से हमें इसे एडजस्ट करके इसे लगाना है। कलर सबका सेम है, उसमें क्या होता है कि कलर मैचिंग करना होता था। अगर आपको पजल सॉल्व करना नहीं आता है 3x3, अगर आप सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पर बटन मिलेगा, आई बटन में यहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पर आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरी स्टेप बाय स्टेप 7 स्टेप है सीखने के लिए, तो 3x3 आप सीख सकते हो मेरे चैनल पे भी। तो मेरे चैनल से आप बहुत आसान तरीके से हिंदी लैंग्वेज में 3x3 कैसे सॉल्व करना है सीख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाओ, सीख लो, आई बटन में लिंक मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि आप कुछ इस तरीके से ये पजल दिखता है, प्रॉपर कर्व शेप में है, एप्पल का शेप है, ठीक है। नीचे से कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। यहाँ पर डंडी भी दिया है, ठीक है, ये प्लास्टिक का है पूरा, इसका बिल्ड प्लास्टिक है, बट थोड़ा सा हैवी है, डेट मीन्स इसकी क्वालिटी अच्छी है। इसमें स्मूथनेस भी है, ठीक है, अच्छा खासा स्मूथनेस भी है, सॉल्व करने में आपको मज़ा आएगा। और हमारे पास टाइमर है, टाइमर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, पर उससे पहले हम कर लेंगे इसे मिक्स, ठीक है। पहले मिक्स करते हैं इसे अच्छे से, ठीक है। और मिक्स करने की इसकी सबसे अच्छी बात यह कि ये साइज़ के हिसाब से, तो इसका स्ट्रक्चर एकदम से अलग ही डिज़ाइन फॉर्म कर लेगा। दिखने में पहले एप्पल था, अभी एप्पल का ए भी नहीं है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। इसे मिक्स कर दो जितना भी आप चाहते हो, और फिर अगर इसको आप थोड़ा भी मिक्स करोगे, ये 3x3 के इतना ही एल्गोरिदम आपको लगाना पड़ेगा, जैसे हम सॉल्व करते हैं 3x3, तो अगर आप इसको थोड़ा भी मिक्स करते हो तो ऑलमोस्ट उतना ही आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। और टाइमिंग हम करते हैं स्टार्ट, तो ये काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग बेसिकली क्या करेंगे इस पज़ल को, मुझे डिज़ाइन याद है कि एप्पल का पज़ल किस तरीके से दिखता था, तो मुझे मैंने स्टार्ट करने से पहले ध्यान से देख लिया था कि पज़ल किस तरीके से दिखता है, शेप कौन सा कहाँ पर है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हम बॉटम से इसे स्टार्ट करेंगे और ऊपर से नीचे तक, मतलब नीचे से ऊपर तक हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे इसे। तो ये सेंटर पीस है, और यहाँ का सेंटर पीस पहले हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो सेंटर पीस होगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि सेंटर पीस अगर बराबर नहीं रहेगा, जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंटर पीस, तभी सेंटर पीस, ये सेंटर पीस को पहले सही करना है। जैसे कि आप देख सकते हो ये सेंटर पीस थोड़ा सा अलग है, 3x3 में क्या होता था कि ये एक कलर का होता था, चाहे ऐसा रखो चाहे ऐसा रखो फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये डिज़ाइन के हिसाब से, शेप के हिसाब से, तो हम लोग को उस शेप में ही रखना पड़ेगा इसे। तो इसे भी करते हैं नीचे, और इसे भी करेंगे नीचे, ठीक है। ये सेम शेप का हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे क्रॉस, जैसे हम लोग वाइट में क्रॉस बनाते हैं पहले, वैसे हम लोग इसमें एक क्रॉस बनाएंगे विद द मैचिंग ऑफ सेंटर पीस, ठीक है। तो हमारे पास जो सेंटर पीस है वो ये वाला है, पहले देखेंगे कि कौन सा मैच हो रहा है, पहले इसको बाहर निकालते हैं, पहले देखते हैं नीचे कौन सा है, ये है, इसको लगा के देखते हैं 1x1, ठीक है, ये मैच हो रहा है, इसको ऊपर करते हैं, ओके, लग गया एक पीस हमारा यहाँ पे,
अब हमारा 3 पीस बचा है एच का, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके और कौन सा है? ओके एक नीचे है, तो हम लोग पहले इसको नीचे लेते हैं, यहाँ पे मैचिंग करते हैं, मैच हो रहा है। ओके इसको लगा दिया ऊपर, अब बचे दो और। टाइम लगेगा गाइस क्योंकि ये शेप के हिसाब से है और इसमें स्पिन करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, और मुझे पीसेस ढूंढना पड़ रहा है ना कि कलर ढूंढना पड़ रहा है इसके अंदर। 3x3 में हम लोग कलर ढूंढते हैं, बट इसमें पीसेस ढूंढने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है इसको बाहर निकालते हैं पहले, और इसको करेंगे ऊपर, और इसको नीचे करके देखते हैं ये मैच हो रहा है। नहीं ये मैच नहीं हो रहा इससे, दैट मीन्स ये लगेगा हमारा दूसरे साइड पे। सो करेंगे नीचे, ये हो रहा है मैच आई गेस। नहीं ये मैच नहीं हो रहा है, इसको वापस ऊपर लेते हैं। ठीक है तो ये वाला पीस हम लोग ऐसा भी लगा सकते हैं, ठीक है अब हो रहा है मैच। इसको करेंगे ऊपर, इसको करेंगे नीचे। ओके 3 पीस लग गए हैं हमारे टॉप के, क्रॉस बनने के लिए बस 1 पीस और चाहिए। बचा कौन सा? ओके 1 पीस और है, कहाँ पर है ये? नहीं ये नहीं है। ओके यहाँ पर है ये वाला पीस, इसको भरेंगे बाहर। ठीक है इसको करेंगे नीचे, मैच हो रहा है? नहीं हो रहा है, डेट मीन्स ये ऐसे जाएगा। ओके ये लग गया हमारा, फाइनली हमने क्रॉस बना लिया है। ठीक है जैसा कि आप देख सकते हो क्रॉस बना लिया हम लोग ने। अब हमें कॉर्नर लगाना है, तो कॉर्नर एक हमें दिख रहा है बट ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है ये देखते हैं। ओके ये लग रहा है वाला कॉर्नर, ओ सॉरी ये वाला कॉर्नर लग गया। ठीक है अब एक 3 और कॉर्नर है, ये कॉर्नर मैच करके देखते हैं। नहीं यहाँ से नहीं, देखिए मुझे कलर से तो नहीं पता चल रहा है बट मैं साइज को टच करके फील कर पा रहा हूँ, जिससे कि मुझे पता चले कि स्मूथनेस आ रहा है कि नहीं। जैसे स्मूथनेस आ रहा है तो मुझे पता चल जा रहा है कि यही एग्जैक्ट पीस यहाँ पर आने वाली है। ठीक है तो इसको करते हैं बाहर, इसको करेंगे ऊपर। अब ये पीस लगेगा आराम से आई गेस। ओके बढ़िया लग चुका है ये वाला पीस भी। ओके अब हमारा 1 पीस बचा है, ये मैच नहीं हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है, हो गया ये वाला पीस भी हो गया मैच। तो हमारे 3 कॉर्नर्स लग चुके हैं, बचा एक लास्ट कॉर्नर। ओके ये भी लग गया हमारा, तो इसी के साथ हम लोग ने बना लिया फर्स्ट लेयर गाइस। ओके तो फर्स्ट लेयर हम लोग ने बना लिया है, बहुत ही बढ़िया, और 5 मिनट हो गए हमारे फर्स्ट लेयर बनाते बनाते। और अब हम लगाएंगे एच पीसेस, तो हम लोग क्यूब को करेंगे उल्टा। अब वो बेस को नीचे करते हैं जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, उसी हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अब ये वाला पीस यहाँ डालेंगे, फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। ये लग गया हमारा 1 पीस, ये जाएगा हमारा दूसरा इस साइड। मैच किया, साइड में किया, और इसको नीचे डालने की कोशिश किए। ये लग गया हमारा सेकंड, ये भी करते हैं। ठीक है ये वाला एच पीस भी, तीसरा भी लग गया है आई गेस। इसको घुमाने में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है बट कोई बात नहीं, हम लोग कर लेंगे इसे मैनेज। और आई थिंक एक बचा है और, इधर है। ठीक है इसी के साथ हमारा हो गया है सेकंड लेयर कंप्लीट, और 6 मिनट हो गए हैं सेकंड लेयर कंप्लीट करते करते। जैसे कि आप देख सकते हो ये फर्स्ट लेयर बन चुका है, ये सेकंड लेयर। ठीक है और अब हमारा बचा टॉप लेयर, तो टॉप लेयर में हम पहले क्रॉस बनाते हैं फिर उसके बाद कॉर्नर्स लगाते हैं। जैसे कि आपको पता है हम लोग पहले येलो को ऊपर करते हैं फिर येलो का साइड सही करते हैं, उसी हिसाब से इसमें भी ऐसी है।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम लोग का जो ये शेप है इसको प्रॉपर करना है बिना किसी चीज़ों को बिगाड़े। तो ये है उल्टा एल, तो इसमें एल्गोरिदम मुझे याद है कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा हो चुका है ये वाला प्लस बन चुका है, उसी के साथ दो कॉर्नर भी लग गया ऑटोमेटिकली, लकीली लग चुका है। अब हम करेंगे 1 2 3 4 जो करते हैं हम लोग मूव, जो कि है आर यू आई आर आई यू, ठीक है। ये वाला मूव हम लोग करते हैं और उसको 6 बार रिपीट करने से चीज़ें अपनी जगह स्विच हो जाती है, जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ आर, ठीक है, यू आई आर यू, ठीक है। ये करते रहना जब तक ये मैच ना करे, ठीक है। तो ये मैच हो गया, अब इसको करेंगे ट्विस्ट और इसको भी करेंगे वही एल्गोरिदम के साथ, जब तक इसको ट्विस्ट करते रहेंगे जब तक ये मैच ना हो जाए। और ये हुआ मैच। तो फाइनली गाइस हम लोग ने कर लिया है सॉल्व इस पजल को, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिमेट्रिक है, ठीक है, सारे साइडों से, ठीक है। आप देख सकते हो कितना प्यारा पजल है, इसको आप अपने शेल्फ पे रख सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो और बच्चों को दे सकते हो टाइम पास करने के लिए। और हमको टाइम लग गया है अराउंड 8 मिनट्स, ठीक है, 8 मिनट लगा हमें इसे सॉल्व करने के लिए। तो ये फर्स्ट टाइम मैंने सॉल्व किया था आप लोगों के लिए और आई होप ये पज़ल आपको पसंद आ रहा होगा और ऐसे और भी पज़ल आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चैनल पर बने रहो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि लाइक करते हो तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है, मैं और अब पज़ल आपके लिए यूनिक पज़ल लेकर आता रहता हूँ मेरे चैनल पर। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये पज़ल आपको अच्छा लगा होगा। मैं ये एक लकी विनर को करने वाला हूँ गिव अवे ऑन माई 20K सब्सक्राइबर, तो फटाफट कर लेना 20K सब्सक्राइबर, हम बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, जल्दी करते हैं। और कमेंट में बताना है कि आप ये क्यों जीतना चाहते हो, या फिर आपका कोई कमेंट, आपका कोई टिप जो मुझे देना चाहते हो, या फिर आप कुछ बताना चाहते हो कि मेरे वीडियो में आपको क्या पसंद आया। तो ऐसे टाइप के पज़ल मैं अपने चैनल पे गिव अवे कर देता हूँ, तो लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको ऐसे टाइप के पज़ल मज़े आ रहे हैं, तो मैं और भी पज़ल लाऊंगा, रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे, उसे गिव अवे करेंगे आप लोगों के लिए। तो ये आप ही लोग का चैनल है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे बहुत सारे पज़ल आने वाले हैं। पिछला पज़ल भी चेक करें आई बटन में, और इसके बाद वाला भी पज़ल आने वाला है अगले हफ्ते, तो वो भी चेकआउट करें और आपको देखने मिलेगा कि ये पज़ल को क्यों मैं इतना अच्छा बोल रहा हूँ। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक मिस्ट्री पज़ल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टिल देन पीस आउट।